in time t, then the speed v equals to s quantity, s को यहाँ पे डिस्टेंस के लिए और t को टाइम के लिए। अब आते हैं स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड की डायरेक्शन। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद डिफाइनेड डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के साथ जिसकी स्पीड हो उसको हम वेलोसिटी का नाम दे देते हैं, और इसकी भी यूनिट यही होती है मीटर पर सेकंड। लेकिन अब बस ये जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का इसमें यहाँ पर ये मतलब है कि उसमें डायरेक्शन दी होगी और स्केलर में डायरेक्शन नहीं। अब आते हैं द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होती है अर्थमेटिक इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी फॉर गिवन अ पीरियड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। इट मीन्स वी ए वी, ए वी का यहाँ पर मतलब एवरेज वेलोसिटी, यू प्लस वी अपॉन टू, ये है एवरेज वेलोसिटी। वी आर यू वी इज एन एवरेज वेलोसिटी, यू इज एन इनिशियल एंड वी इज फाइनल वेलोसिटी। द स्पीड ऑफ वेलोसिटी एज डिफाइंड मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसको हम एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि एक्सीलरेशन इज दैट क्वांटिटी इज दैट एक्सीलरेशन इज अ मेजर ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक्सीलरेशन जो है जिसमें वेलोसिटी का चेंज होती रहती है और टाइम पीरियड में अपॉन टाइम पीरियड जितना हमने समय लिया है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इक्वल्स टू बी माइनस वी अपॉन टी, और जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन द व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन जब पॉजिटिव होगा, जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो सीधे डायरेक्शन में जा रहा हो, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब नेगेटिव जब होगा एक्सीलरेशन, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा हो। अब आते हैं हम जो ऑब्जेक्ट, इफ द एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेस डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल देन द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। यूनिफॉर्म मोशन जब कहा जाएगा, जब उसमें जो या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन जब कहा जाएगा, जब उसमें वेलोसिटी बढ़ रही हो साथ के साथ और इक्वल टाइम इंटरवल में वो चल भी रही हो, और जो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलोइंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, यदि जो जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाए नॉन यूनिफॉर्म रेट, जैसे कि वेलोसिटी चेंज हो गई टाइम के अनुसार, उसी को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और जैसे कि इफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रोड इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये सेम है इसी की तरह स्पीड की तरह, और इसमें कोई डिफरेंस बात नहीं है। दोस्तों अब हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं। देखिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म, इसमें देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ और लास्ट बिल्कुल सीधे जा रहा है, उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी यही है स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं इसको हम, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। और देखिए अब ये आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ में, ये रहा देखिए इसमें यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कम की, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे ये कम ज़्यादा स्पीड ट्रेवल करता रहा, इसी को हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर, वो तो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, इसमें देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है और टाइम भी बिल्कुल
स्टील पर, इसमें भी यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इसमें यूनिफॉर्म स्टील और यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रहा है। ओके, अब आते हैं हम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है? वेलोसिटी और टाइम, हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन को हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसी जैसे कि वेलोसिटी और टाइम, ये बिल्कुल सीधे है, ये ग्राफ जो सीधे आता है उसी को हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। और देखिए ये नेक्स्ट ग्राफ देखिए, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसमें देखिए नॉन यूनिफॉर्म है, और देखिए ये तो बिल्कुल ही नॉन यूनिफॉर्म, ये जो है नॉन, इट इज अ नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अब दोस्तों अब हम आते हैं इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से कैसे होती है? सबसे पहले इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v जो है वो वेलोसिटी है, u इक्वल्स टू v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, और प्लस a यहाँ पर एक्सीलरेशन, और t यहाँ पर टाइम है, s यहाँ पर डिस्टेंस। अब दूसरी है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s यहाँ पर डिस्टेंस, u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, और t यहाँ पर टाइम है, प्लस हाफ a है यहाँ पर एक्सीलरेशन, और t टाइम से यहाँ पर, और ये टू टू ए एस प्लस टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर टू जो है टू ए, यहाँ पर एक्सीलरेशन डिस्टेंस, और वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये तीन मोशन होते हैं, तीन इक्वेशन होती है मोशन की ग्राफिकल मेथड। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आगे देखते हैं। आ जाइए इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कंसीडर करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जा रही है, देखिए ये जा रही है यहाँ से, ये पूरा टाइम ग्राफ है वेलोसिटी। तो इसके बाद अब हम देखते हैं आगे इसका हम रिप्रेजेंटेशन मेथड देखते हैं। देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू मान ली हमने, और टाइम देखिए लेट अस ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी। देखिए यहाँ पर ये हमने ए डी पैरेलल है ओ सी की, ये हमने ड्रॉ कर ली। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी ए बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस ओ ए। अब ये हमने कैसे लिखा अब देखते हैं। देखिए ये है बी डी और ये है ओ ए, यहाँ से जो है बी ए जो है वो वेलोसिटी को दर्शा रहा है, इसको ओ ए को हम लिख सकते हैं डी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, और बी डी को हम ए भी लिख सकते हैं। ये बी सी इक्वल्स टू वी एंड ओ ए इक्वल्स टू यू, यानी कि बी सी हमने वी को कंसीडर किया और ओ ए यू को, वी इक्वल्स टू बी डी प्लस यू, बी डी को हम लिख सकते हैं वी माइनस यू, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम टेकन। ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी हो सकता है, और ए टी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वी माइनस यू। यहाँ पे हमारे हमको क्या देख रखा है वी माइनस यू, तो बी और यहाँ पर ए इक्वल्स टू होगा बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी डी अपॉन ओ सी। ए डी को हम ओ सी भी लिख सकते हैं, और बी डी ओ सी को हम टी भी लिख सकते हैं। जो बी डी है जो बी डी वी माइनस यू, वी माइनस यू की जगह पे हम बी डी लिख देंगे, और एक्वल्स टू बी डी अपॉन टी, और ए बी डी इक्वल्स टू ए टी, यानी कि वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दोस्तों अगली वाली भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगी, वरना आप अगर आपको कोई कमेंट और करनी है तो आप हमको और बताइएगा कि अगर इसके और अगर ये नहीं समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए इसके लिए अलग वीडियो बना कर डाल सकते हैं। देखिए तीसरी क्वेश्चन भी इसी तरह से होगी जो पहली और दूसरी से ये तीसरी सॉल्व होगी। ओके अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक पर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। जो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय 2πr, द मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सेकंड वंस अराउंड अ सर्कुलर पाथ रेडियस
वेलोसिटी वी इज गिवन बाय, इसका ये फॉर्मूला होता है अगर हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन निकालना हो तो वी इक्वल्स टू 2πr/t। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आगे आते हैं, जो अर्थ है एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, सेटेलाइट और सर्कुलर ट्रैक कॉन्स्टेंट स्पीड यानी कि साइकिलिस्ट और सर्कुलर ट्रेस्ट विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड। दोस्तों आज आपकी ये मोशन चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई रिक्वेस्ट टू यू विद अ वेरी